सलाम। सो हाउ आर यू ऑल? आई एम फाइन मैम। एसएसटी की पढ़ाई की आप लोगों ने कि नहीं की? यस मैम। अच्छा चलिए ठीक है, आज हम हमारी हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसका ऑलरेडी वर्क मैंने आपको सेंड भी किया था पहले, है ना, याद होगा आप लोगों को। yes, मैंने पहले भी आपको चैप्टर 5 का वर्क मैं सेंड कर चुकी हूँ। अभी हम उसका एक्सप्लेनेशन वापस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो हिस्ट्री की बुक और चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 51। ओके मैम। पेज नंबर 51, ठीक है। सारे बच्चों को बुक में ध्यान देना है, और जो चीज मैं आपको अंडरलाइन करने के लिए आपको पता है मैं आपको अंडरलाइन करवाती हूँ ना, तो जो भी क्वेश्चंस होंगे हमारे, जो भी इम्पोर्टेंट लाइंस होगी मैं उसको अंडरलाइन करवाऊंगी, पेंसिल लेकर बैठिएगा बच्चों, है ना। यस मैम। स्टार्ट करें हम? यस मैम। यस मैम। बच्चे अभी ऐड हो रहे हैं ना। यस चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। रिबेल, रिबेल मतलब क्या होता है? विद्रोह करना किसी चीज का। कि क्या होता है कि जब पुराने टाइम में, मैंने आपको ब्रिटिश के बारे में बताया था, अंग्रेज जो है वो हमारे इंडिया में आए थे और किस तरीके से उन्होंने हमारे इंडिया पर राज किया था, इंडिया को पूरा खुद के कंट्रोल में ले लिया था, है ना। तो जब बहुत ज्यादा उन लोगों के मतलब ये बढ़ने लग गया था कि वो बहुत ज्यादा कंट्रोल करने लगे थे इंडिया के लोगों को, तो फिर क्या होने लगा, इंडिया के पीपल लोग कब तक ये चीज सहन करेंगे, गलत चीज को कब तक बर्दाश्त करेंगे। तो फिर धीरे धीरे अपने इंडिया के जो लोग थे उनके लोगों के मन में क्या आने लगा कि अब हमें इसके खिलाफ क्या करना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। अगर हम इसके अगेंस्ट हम नहीं बोलेंगे, अगर हमने बोलना शुरू नहीं किया तो फिर क्या होता रहेगा, ये तो अंग्रेज जो है वो कंटिन्यू क्या करेंगे, हमारे ऊपर यही चीज करते रहेंगे, ठीक है। उनका तो मतलब ये कंटिन्यू जो इतना कंट्रोल, इतना पावर उनका बढ़ता जा रहा है, तो ये तो बढ़ता ही रहेगा। तो जब इंडिया के सारे लोग इतना परेशान हो गए थे तो फिर उन्होंने क्या कर दिया था, रिबेल कर दिया था। और ये जो 1857 का ये जो रिबेल है बहुत बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, और पूरे इंडिया में ये फैल गया था, हर जगह पर ये फैला था, और इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो अंग्रेजों पर भी पड़ा था। जो ब्रिटिश थे, जो इंग्लिश थे लोग, उन पर भी इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ा था। उन लोगों ने, उनको फिर ये सोचने पर वो मजबूर हो गए थे कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इन इंडियन पीपल के साथ में लीनियंट रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी अगर उन लोगों ने मतलब इस तरीके से हमारे अगेंस्ट इतना बड़ा रिबेल किया है, तो अगर हमने थोड़ा सा लीनियंट नहीं रहे, अगर हम इन लोगों की थोड़ी थोड़ी बात नहीं मानने लगे, तो फिर क्या होने लगेगा, ये तो हमें इंडिया के बाहर ही फेंक कर ही मानेंगे, हमें तो ये इंडिया से निकाल कर ही मानेंगे, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सारे बच्चों का ध्यान बुक में होना चाहिए, मैं रीड कर रही हूँ। अब हम लोग क्लास में पढ़ते ही पता है ना आपको कैसे हम पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से, ठीक है, मैं रीड कर रही हूँ और आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। सबसे पहले देखो आपको यहाँ पर पिक्चर दिख रहा है ना, जिसमें आपको बहुत सारे सिपाही हैं, यहाँ पर सिपाही, यहाँ पे देखो लिखा है पास में, सिपाहीज एंड पीजेंट्स गैदर फोर्सेस फॉर द रिवॉल्ट दैट स्प्रेड अक्रॉस द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया इन 1857 के टाइम पर पीजेंट किसान जो थे, और सिपाही मतलब जो सिपाही है, है ना, वो लोग क्या करने लग गए थे, इन लोगों ने लड़ाई वगैरह जो है अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़ना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे उसी का पिक्चर बताया है कि किस तरीके से इन्होंने रिबेल ये स्टार्ट किया था। तो टॉपिक इज पॉलिसीज एंड द पीपल, लोग जो है, नहीं सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जब अंग्रेज मतलब जब मुगल पीरियड जो था ना उस टाइम पर 1857 से पहले, इंग्लिश जो थे उन्होंने एक उनकी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से, इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी चैप्टर में पहले बता चुकी हूँ ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके थ्रू ये क्या करते थे, हमारे इंडिया पर कंट्रोल करना इन्होंने शुरू कर दिया था, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या क्या पॉलिसीज, उनकी क्या पॉलिसीज आई, उन्होंने क्या क्या पॉलिसीज जो है वो लगाई हमारे इंडिया के लोगों पर, उसके बारे में। In the previous chapter, you looked at the policies of the East India Company and the effect they had on different people. Kings, queens, peasants, landlords, tribal soldiers were all affected in different ways.
You have also seen how people resist policies and actions that harm their interests or go against their sentiments. मतलब last जो previous chapters जो हैं उसमें इन्होंने ये बताया कि आप लोगों ने already देखा है कि किस तरीके से East India Company जो है वो आई थी इंडिया में और किस तरीके उन्होंने नई नई policies जो है वो इंडिया में अप्लाई करना शुरू कर दिया था. तो इसका इफेक्ट जो है वो सारे लोगों पर पड़ रहा था, ठीक है, चाहे वो किंग हो, क्वीन हो, पीजेंट्स हो, लैंडलॉर्ड, मतलब किसान हो, लैंडलॉर्ड्स हो, है ना, चाहे अलग अलग हर तरह के ट्राइबल, जिनके बारे में भी हम ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो हमारा लास्ट चैप्टर था उनमें ट्राइबल पीपल के बारे में, ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में भी हमने पढ़ा था. तो उन सबके ऊपर इसका इफेक्ट जो है वो अलग अलग तरीके से क्या होता जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था. नवाब लॉस लूज देयर पावर, नवाब जो थे उनकी पावर जो है वो धीरे धीरे क्या होने लग गई थी, लूज होने लग गई थी. क्योंकि जैसे हैदराबाद वगैरह जो होता है ना, बंगाल वगैरह, उस टाइम पर नवाब होते थे, किंग जो होते थे उनको क्या बोलते थे, नवाब बोलते थे. तो ये जो नवाब जो थे उनकी पावर, जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी आई, इंग्लिश ब्रिटिश लोग आए, तो उनकी पावर जो है वो धीरे धीरे क्या होने लग गई थी, लॉस होने लग गई थी, कम होने लग गई थी. सिंस द मिड 18th सेंचुरी नवाब्स एंड राजास हैड seen their power erode, they had gradually lost their authority and honor. जो मिड 18th सेंचुरी का टाइम था, उस टाइम पर ये जो भी नवाब, राजा, ये सारे लोग जो थे, इनकी पावर इरोड, इरोड मतलब क्या होने लग गई थी, कम होने लग गई थी, क्योंकि ब्रिटिश आ गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, तो इनकी पावर जो है वो धीरे धीरे कम होने लग गई थी. दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर, उनकी धीरे धीरे जो भी अथॉरिटीज थी, जो भी उनके हाथ में जो भी वो फैसला लेते थे अपने लोगों के लिए, है ना, वो धीरे धीरे सारी चीज क्या होती जा रही थी, खत्म होती जा रही थी. रेजिडेंट्स हैड बीन Station in many courts, the freedom of the rulers abused, their armed forces disbanded, and their revenues and territories taken away by stages. मतलब ये जो East India Company जो थी, वो धीरे-धीरे क्या कर रही थी? उन्होंने अपने rules, regulations जो हैं, वो India के लोगों पर लगाना शुरू कर दिया था. राजा, नवाब, इनको, इनके पास से जो भी authority थी, वो धीरे-धीरे खुद ने लेना शुरू कर दिया था, है ना? और उसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस मतलब ये था कि पहले के टाइम में राजा महाराजा जो भी होते थे उनकी बड़ी बड़ी सेना होती थी, आर्मी होती थी. पता है आपको मूवीज वगैरह में भी आपने देखा है, ऐसी कोई मूवीज होती है उसमें देखते हैं इतनी बड़ी सेना होती है. तो क्या होने लग गया था कि ये धीरे धीरे आर्मी की जो पावर थी ना, वो भी इन्होंने क्या की, ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद के हाथ में ले ली. मतलब ये कि उनकी अब आप जो राजा जो है, किंग जो है, वो खुद की आर्मी नहीं रख सकता है, बल्कि वो आर्मी कौन रखेगा, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, जो इंग्लिश ब्रिटिश लोग हैं, वो खुद की क्या रखेंगे, आर्मी जो है वो वहां पर रखेंगे. तो धीरे धीरे ये जो आर्मी की, आर्मी फोर्सेस जो थी वो भी उनके हाथ से जो है वो निकलने लग गई थी. उसके अलावा टेरिटरीज मतलब जो भी मतलब जो छोटे छोटे राज्य वगैरह जो थे, तो वो भी उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, खुद के अंडर में लेना शुरू कर दिया था. कि पुराने टाइम में तो राजा अगर मरा है तो उसका बेटा जो है वो क्या बन जाता था, वापस राजा बन जाता था और वो शासन चलाता था. लेकिन जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने क्या किया, फिर नए नए रूल्स निकालने शुरू कर दिए. तो उन्होंने क्या बोला, अगर राजा कोई मर गया है, उसका कोई बेटा बेटा नहीं है, तो वो पूरा का पूरा राज्य जो है वो किसके पास आ जाएगा, कंपनी के अंडर में आ जाएगा. तो इस तरीके से बहुत सारे उन्होंने नए नए रूल्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए थे. मेनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी wanted to company to recognize her adopted son as the heir to the kingdom after the death of her husband. अब यहाँ पर एग्जाम्पल बताया है कि बहुत सारी ऐसी रूलिंग फैमिलीज जो थी ना, जो किंग वगैरह थे, उन लोगों ने क्या बोला उन लोगों, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ब्रिटिश को, कि हम आपके साथ में कॉपरेट करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए हम तैयार हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए आप हमारी जो बातें हैं आप वो मानिए, कुछ तो मतलब हमें पावर दीजिए. ऐसा थोड़ी कि सारी की सारी पावर जो है वो आप ही ले लेंगे, सारी की सारा का सारा जो कंट्रोल है वो आपके पास ही रहेगा. तो वो क्या, उन्होंने क्या बोला कि हम आपके साथ कॉपरेट करेंगे, लेकिन आप क्या करिए, हमें भी थोड़ी सी पावर दीजिए. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनके बारे में तो आपने सुना ही है, है ना, कितनी बहादुर से उन्होंने अपने लिए लड़ा था. तो उनका क्या हुआ था कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उनके कोई बेटा भी नहीं था. तो अब जब हस्बैंड, सॉरी, राजा जब मर जाता है तो उसके बेटे के पास में राज्य आता है ना, सारा का सारा शासन फिर वो ही संभालता है. लेकिन अब रानी लक्ष्मीबाई के क्या था, बेटा नहीं था. तो उन्होंने क्या किया, बेटे को अडॉप्ट किया. तो उन्होंने ये बोला कि भाई ये अडॉप्ट जो किया है मैंने बेटा, ये आगे का जो भी शासन है वो पूरा वो चलाएगा. लेकिन क्या कर दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके लिए मना कर दिया था कि नहीं, ये रूल बन गया है
कि मतलब अगर किसी के बेटा नहीं है तो वो पूरा का पूरा जो राज्य है वो किसके कंट्रोल में आ जाएगा, ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बताएं कि अपने इंडियन पीपल जो थे, इंडियन किंग्स वगैरह जो थे, वो ये उनके साथ कॉपरेट करने के लिए तैयार थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो तो बिल्कुल भी चाहती ही नहीं थी इनके साथ में कॉपरेट करना, अपने इंडियंस के साथ में। एक और एग्जाम्पल बताया है यहाँ पर, नाना साहेब द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड। पेशवा बाजीराव सेकंड जो थे उनके भी एक अडॉप्टेड बेटे थे जो कि थे नाना साहेब। प्लीडेड दैट ही बी गिवन हिज फादर्स पेंशन व्हेन दे लेटर डाइड, हाउएवर द कंपनी कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सुपीरियरिटी इन मिलिट्री पावर्स टर्न डाउन दीज प्लीज। लेकिन जब जो नाना मतलब ये था कि नाना साहेब जो थे वो भी गोद लिए हुए बेटे थे, तो उन्होंने क्या बोला, अगर मेरे जब फादर मर जाए तो उसके बाद में मरने के बाद में उनकी जो पेंशन है वो किसको मिले, मुझे मिलनी चाहिए, है ना, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ। तो उसके लिए भी क्या कर दिया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं कोई है ना पेंशन वेंशन नहीं मिलेगी तुमको, और क्योंकि तुम तो अडॉप्टेड बेटे हो तो उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है, तो ये भी सारी चीज जो है वो किसके अंडर में आ जाएगी, ब्रिटिश के अंडर में आ जाएगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे सारी चीजें जो है वो कंपनी खुद के कंट्रोल में लेती जा रही थी, और सारी सुपीरियरिटी मिलिट्री पावर वो भी सारी की सारी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ रही थी। अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड इन 1801, अ सब्सिडियरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन अवध। अब यहाँ पर अवध के बारे में बताया जो कि लास्ट टेरिटरी थी, तो धीरे 1801 के टाइम में सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस मतलब क्या होता है कि जैसे जो राज्य जो है जैसे कि अवध है, तो उसमें इन लोगों ने क्या कर दिया था कि मतलब एक जो मेंबर है दरबार जो लगता था ना, तो उसमें की कोर्ट में एक मेंबर जो है वो क्या होना चाहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब जो कंपनी है ना उसका भी एक मेंबर उसमें शामिल उन्होंने किया कि ये जो है वो भी क्या होना चाहिए, हमारा जो मेंबर है वो उसमें शामिल होगा। तो जब जब उसको शामिल किया गया तो उसका क्या होने लग गया, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो गया कोर्ट में उस टाइम, उनका जो कोर्ट था ना उस टाइम पर, उनके मतलब उनका जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो मेंबर उसमें शामिल किया गया, तो उसका जो है इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था वहां पर उनके कोर्ट में। एंड इन 1856 इट वॉज टेकन ओवर, और फिर 1856 में अवध जो है उसको भी उन्होंने क्या कर लिया था, खुद के कंट्रोल में ले लिया था। गवर्नर जनरल डलहौजी डिक्लेयर्ड दैट द टेरिटरी वॉज बीइंग मिसगवर्न्ड एंड ब्रिटिश रूल वॉज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। अब उस टाइम पर जो 1856 के टाइम पे, अंडरलाइन करिएगा बच्चों ये लाइन कि 1856 के टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, डलहौजी, है ना। डलहौजी के बारे में हमने पढ़ा ऑलरेडी, यस मैम, ठीक है, यस मैम। तो 1856 के टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे वो थे डलहौजी। उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया कि ये जो जो भी शासन चल रहा है अवध में, ये जो भी कुछ चल रहा है ना वो मिसगवर्न्ड है। मिसगवर्न्ड मतलब क्या हो रहा है, इनको अपना ये शासन संभालना नहीं आ रहा है। उन्होंने मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये बोला कि उनको क्या हो रहा है, ये नहीं आ रहा है, इनको संभालना नहीं आ रहा है। तो उन्होंने वो, और उसको किसकी जरूरत है, ब्रिटिश रूल की जरूरत है कि ब्रिटिश अगर उसमें इंटरफेयर करेगी तो ये शासन जो है उनका बहुत अच्छे से चलेगा। तो इस तरीके से उन्होंने ये बहाना करके, और फिर सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो भी था अवध को, वो भी क्या कर लिया था उन्होंने, खुद के कंट्रोल में कर लिया था। द कंपनी इवन बिगिन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड। उसके बाद कंपनी जो है, उस टाइम पर मुगल पीरियड चल रहा था, है ना, और मुगल के जाते ही ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश आ गए थे, मुगल खत्म होने वाला था, और मुगल पीरियड के टाइम पर ही ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी और ब्रिटिश लोग आ गए थे उस टाइम पर ट्रेड करने, व्यापार करने, मैंने आपको बताया भी था, है ना। और धीरे धीरे उनका इतना ज्यादा इंटरफेरेंस बढ़ गया कि उन्होंने पूरा मुगल डायनेस्टी जो है उसको वो खत्म करने की क्या करने लग गए, प्लानिंग, कि किस तरीके से अब ये मुगल जो भी किंग वगैरह हैं अब वो खत्म करें हम, क्योंकि अब सारा का सारा कंट्रोल हमारे अंडर में है, तो हम क्या करेंगे, हम इंडिया पर रूल करेंगे। तो इस तरीके से फिर ये कंपनी जो है वो प्लान बनाने लगी थी कि मुगल डायनेस्टी को किस तरीके से खत्म किया जाए। द नेम ऑफ द मुगल किंग वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी। तो इसके लिए उन्होंने क्या क्या चीजें की, कि पुराने टाइम में पता है ना आपको कॉइन के ऊपर जो भी डायनेस्टी होती थी, जो जिसका भी रूल चलता था, तो वो क्या करते थे, अपने खुद के कॉइन्स बनवाते थे, उसके ऊपर जो किंग होता था उसका है ना प्रिंट करवाते थे, उसको है ना कॉइन जो है उस राजा की पिक्चर
उस कॉइन्स पर छपवाते थे, है ना। तो धीरे धीरे फिर उन्होंने क्या कर दिया कि कंपनी जो है, क्योंकि ये कॉइन्स बना रही है, तो अब आपके जो भी राजा है, मुगल जो भी किंग वगैरह है, उनकी इसके ऊपर कोई भी प्रिंट वगैरह नहीं होगा। उस कॉइन को, मतलब किंग जो था, उसकी जो भी पिक्चर वगैरह होती थी उसको इन्होंने रिमूव कर दिया कि अब कॉइन्स पर आपकी पिक्चर जो है वो नहीं छपाई जाएगी। In 1849, Governor General Hawsey announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside in. अब उस टाइम पर क्या था कि जो भी ये मुगल लोग होते थे, जो भी किंग बनता था, वो कहाँ रहते थे? रेड फोर्ट जो है, दिल्ली में है रेड फोर्ट, पता है ना आप लोगों को? Yes, ma'am. तो वहां पर रेड फोर्ट में वो लोग रहते थे। तो बहादुर शाह जफर जो थे वो भी कहाँ रह रहे थे? वहां पर रेड फोर्ट में रह रहे थे। तो उन्होंने क्या अनाउंस कर दिया, जो डलहौजी जो थे उस टाइम पर गवर्नर जनरल, उन्होंने ये अनाउंस किया कि अब इनके मरने के बाद, सॉरी, इनकी जो फैमिली है, किंग की जो फैमिली है, उनको क्या कर दिया जाएगा, वो उनको रेड फोर्ट में नहीं उनको अब हम रहने देंगे, बल्कि उनको क्या करना है, वो कोई भी जो किंग होगा वो रेड फोर्ट में नहीं रहेगा, बल्कि उनको क्या रहना है, कहीं और दूसरी जगह पर रहना है। ठीक है, अब आप देखो आपको कहाँ रहना है वो आपकी प्रॉब्लम है, हम आपको रेड फोर्ट में नहीं रहने देंगे, उन किंग को और किंग की फैमिलीज को। 1856, Governor General Canning decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king. Underline करिए बच्चों ये line, ये question भी already मैं आपको शायद हमारे जब पिछले chapter में आया था तब भी मैंने बताया था, who was the last Mughal emperor, है ना, last Mughal emperor कौन थे? तो last Mughal emperor कौन थे? Bahadur Shah Zafar. Bahadur Shah Zafar. Zafar. है ना? Yes, और ये क्वेश्चन हमारे था और हमारे शायद एमसीक्यू में था और मैंने आपको करवाया भी था और शायद मे भी मैंने एग्जाम में भी आपको दिया था कि बहादुर शाह जफर जो थे वो हमारे लास्ट मुगल एम्परर थे, है ना। yes, ma'am. समझ आ रहा है ना बच्चों? yes, ma'am. yes, ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, है ना। yes, ma'am. ठीक है, पढ़े हम आगे। yes, ma'am. yes, ma'am. ठीक है, तो फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने क्या बोला था कि अब बहादुर शाह जफर जो है वो क्या होंगे, लास्ट मुगल एम्परर होंगे और उसके बाद में मुगल डायनेस्टी जो है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसके बाद कोई मुगल का कोई नया राजा जो है, नया किंग जो है वो नहीं बनेगा, अब ये खत्म है, अब आप अपना काम करो, मतलब अब बैठ जाओ आप साइड में। क्यों? क्योंकि सारा का सारा जो है वो किसने अपने कंट्रोल में कर लिया था? ब्रिटिश ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो इस तरीके से धीरे धीरे बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस बढ़ गया था और उन्होंने मुगल डायनेस्टी को भी, बहादुर शाह जफर जो लास्ट एम्परर थे, उसके बाद उन्होंने बिल्कुल मुगल डायनेस्टी को ही खत्म कर दिया था। चलिए, द पीजेंट्स एंड द सिपॉय। पीजेंट्स एंड सिपॉय, पीजेंट मतलब कौन होते हैं? किसान। किसान, किसान। और सिपॉय? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उनका इतना ज्यादा इंटरफेरेंस बढ़ गया तो उसका इफेक्ट जो है वो पीजेंट्स, मतलब किसान और जो सिपाही जो थे, सिपाही जो थे, उनके ऊपर किस तरीके से इसका इफेक्ट हुआ, क्या क्या चीजें हुई उसके बारे में, ये सारी चीजें अभी हमारा क्या, वो क्या बता रहे हैं, 1857 का जो रिबेल स्टार्ट हुआ उससे पहले की चीज बता रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें होने लगी थी। इसका पूरा कंक्लूजन ये निकला कि अब रिबेल करना ही पड़ेगा, अब आवाज उठानी ही पड़ेगी, है ना। तो पीजेंट्स और सिपॉय के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, क्या चीज हुई थी, वो हम पढ़ते हैं। इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड जमींदार रिजेंटेड द high taxes and the rigid methods of revenue collection. Many failed to pay back their loans to the money lenders and gradually lost the land they had tilled for generations. अब क्या होने लगा था कि peasant जो थे, जमींदार जो थे, उनके ऊपर क्या लगाने लगे थे, वो taxes लगाने लगे थे। tax, मैंने इसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि कितना कितना बहुत सारा ज्यादा जो है उनके ऊपर tax लगाने लगे थे, peasant किसान वगैरह जो थे, जमींदार वगैरह जो थे, है ना, सबके ऊपर वो बहुत ज्यादा टैक्सेस बढ़ाते ही जा रहे थे। तो बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाने लगे थे और उसके अलावा रिजिड मेथड्स टू मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू मतलब ये जो टैक्स वगैरह जो कलेक्ट करने का जो मेथड था उनको, वो भी बहुत ज्यादा रिजिड,
मारते थे पीटते थे अगर कोई नहीं देता था। अब बेचारे की कोई कमाई नहीं हुई है, उसकी खेती फसल जो है वही क्रॉप्स जो है वही अच्छे से ग्रो नहीं किए, उनके पास रुपए है ही नहीं, आए नहीं, तो वो कैसे टैक्स को पे करेंगे, इतना हाई टैक्सेस होंगे। तो जो उनके जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो मेथड होता था ना, वो भी क्या होता था, बहुत ज्यादा रिजिड होता था, बहुत बुरी तरीके से बिहेव करते थे वो इन पीजेंट्स के साथ में, है ना। तो ये चीजें होने लगी उन पीजेंट्स और जमींदार के साथ। और जो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि क्या होता था कि जैसे मान लो खेती करने के लिए किसी ने क्या किया, अब उनके पास पैसे नहीं है ना अपनी लैंड पर खेती करने के लिए, तो फिर वो क्या करते थे, मनी लैंडर जो होते थे उनसे क्या लेते थे, मनी लेते थे। अब वो खेती करने के लिए भी मनी ले रहे हैं और साथ में उनको आगे टैक्स भी पे करना है ब्रिटिश लोगों को, क्योंकि अगर ब्रिटिश को वो टैक्स पे नहीं करेंगे तो उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव किया जाता था। तो वो मनी लैंडर से मनी क्या कर लेते थे, ले लेते थे कि हम आपको चुका देंगे मनी, ठीक है। अब अंग्रेजों को तो उन्होंने टैक्स दे दिया उनसे उधार लेकर, लेकिन मनी लैंडर को भी तो वापस पे करना पड़ेगा, मनी लैंडर को भी तो वापस देंगे वो, है ना। तो अब उनके उनको कमाई नहीं हुई है और जो उधार लेकर ही पैसे उन्होंने तो आगे ब्रिटिश लोगों को दिए हैं, तो जब वो मनी लैंडर को वापस नहीं दे पाते थे मनी, तो क्या होता था, वो मनी लैंडर उनकी लैंड जो है वो खुद के कब्जे में ले लेते थे, उनकी लैंड ले लेते थे। मतलब एक जो इतना छोटा सा रिसोर्स था उनके पास, लैंड जिससे खेती करके वो अपनी कमाई वगैरह करते थे, है ना, वो भी फिर किसके पास चली जाती थी, जो मनी लैंडर होते थे उनके पास चली जाती थी, और पैसे जो है वो ब्रिटिश लोगों के पास चले जाते थे। तो जो पीजेंट था उनके पास क्या बचा, वो क्या नहीं खाएंगे, वो भूखे ही रहेंगे, उनको भी तो कुछ चाहिए अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए, खाने पीने के लिए, है ना। तो इस तरीके से ये चीजें हो रही थी, जो कि जिससे कि उनके ऊपर इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता ही पड़ता जा रहा था, मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे वो इन सारी चीजों से। द इंडियंस अपॉइंट द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो हैड रीजन फॉर डिसकंटेंट, दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे अलाउंसेस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, सम ऑफ द न्यू रूल्स Moreover, violated their religious sensibilities and beliefs. अब ऊपर तो बताया हमें peasants के बारे में, अब हमें किसके बारे में बता रहे हैं, Indian sepoys जो थे उनके साथ भी, क्योंकि ये Indian sepoys जो थे वो किसमें शामिल थे, East India Company जो British थी ना उन्हीं के ही वो आर्मी में थे, वो भी इंडियन लोग भी होते थे उनकी आर्मी में, कुछ लोगों को वो शामिल करते थे अपनी इंडियन सॉरी कंपनी की जो आर्मी होती थी उसमें, है ना। लेकिन उसका उनके साथ बुरा बर्ताव उसमें भी किया जाता था, तो जो सिपाही होते थे उनको कम पे सैलरी बहुत कम दी जाती थी, उनको अलाउंस भत्ता वगैरह जो होता ना वो भी बहुत कम दिया जाता था, उसके अलावा उनके साथ बहुत ज्यादा उनकी कंडीशन बहुत खराब थी, उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव किया जाता था इन सिपाही के साथ में भी, ठीक है। तो ये उनके साथ में भी सिपाही के साथ में भी ये सारे बहुत अत्याचार हो रहे थे, पीजेंट के साथ में भी हो रहे थे। डिड यू नो दैट इन दोज डेज मेनी पीपल इन द कंट्री बिलीव दैट इफ दे क्रॉस द सी दे वुड लॉस देयर रिलीजन एंड कास्ट। अब मैंने शायद आपको एक बार पहले भी बताया था कि पुराने टाइम में क्या होता था, जो लोग होते थे समाज के लोग या जो भी जिस भी रिलीजन के लोग होते थे, तो वो क्या सोचते थे कि अगर हम सी रूट, सी मतलब पानी के रास्ते से अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो हमारा धर्म जो है वो क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, मतलब हमारा रिलीजन जो है वो खराब हो जाएगा अगर हमने पानी को पार करके अगर हम दूसरी जगह गए। तो मतलब वो पुरानी रूढ़िवादी टाइप के लोग थे ना, ऑर्थोडॉक्स सोच थी उनकी थोड़ा, तो वो ऐसा सोचते थे। तो When in 1824, the sepoys were told to go to Burma by the sea route to fight for the company, they refused to follow the order, though they agreed to go by the land route. अब फिर क्या हुआ कि सी को पार करके अगर वो दूसरी जगह जाते तो उनका तो धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाता था। लेकिन फिर 1824 में एक बर्मा में मतलब कंपनी की तरफ से फाइट करने के लिए जाना था, आर्मी को भेजा उन्होंने, अब उसमें इंडियन आर्मी के इंडियन पीपल भी शामिल थे, तो उन्होंने क्या किया, इस ऑर्डर को मानने से मना कर दिया, उन्होंने ये बोला कि हम आपका ये ऑर्डर नहीं मानेंगे क्योंकि इससे तो हमारा धर्म क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो हम सी को पार करके, पानी को पार करके हम दूसरी जगह पर बर्मा जाना था, है ना, तो हम वहां पर नहीं जाएंगे। उन्होंने इनको ऑर्डर को रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑर्डर को, और बोला अगर आपको लैंड रूट मतलब ये जो जमीन का जो रास्ता है अगर आपको यहां से भेजना है तो आप हमें भेजें, हम चले जाएंगे, लेकिन हम सी रूट से हम नहीं जाएंगे।
They were severally punished, and since the issue did not die down, in 1856, the company passed a new law which stated that every new person who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required. Underline kariye ye line. In 1856 se. Underline kariye. 1856, the company passed a new law which stated that every new person who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required. Kiya bachcho underline? Yes, ma'am. So, unhone jab inko order ko refuse kar diya, manne ke liye mana kar diya, तो फिर कंपनी ने क्या किया, 1856 में एक नया रूल निकाल दिया उन्होंने। उन्होंने सोचा कि अच्छा अभी हमारी ऑर्डर को इस तरीके से रिफ्यूज कर रहे हैं, तो हम नए लॉ बना देते हैं, हम नया ऑर्डर निकाल देते हैं। तो उन कंपनी ने क्या किया, एक नया लॉ निकाल दिया। तो उन्होंने क्या किया, नया ऑर्डर निकाल दिया और उन्होंने ये बोला कि अब अगर किसी को कंपनी की आर्मी में अगर किसी को एक मिनट आ जाओ, हाँ, तो उन्होंने क्या ऑर्डर निकाला कि अगर अब किसी को कंपनी की आर्मी में ज्वाइन करना है तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि आपको सी रूट भी पार करके अगर जाना पड़े तो आपको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने ये नया ऑर्डर निकाल दिया था। सिपॉय ऑल्सो रिएक्ट टू व्हाट वॉज हैपनिंग इन द कंट्री साइड। मेनी ऑफ देम वर पीजेंट्स एंड had families living in the villages, so the anger of the peasants quickly spread among the sepoy. फिर सब सिपॉय जो हैं, उन्होंने भी रिएक्ट करना शुरू कर दिया कि क्या हो रहा है हमारे साथ में, हमारे साथ तो बहुत गलत चीजें हो रही है ना। तो धीरे धीरे ये चीज जो है वो होती जा रही थी, सिपॉय हैं और पीजेंट्स हैं उनके साथ में बहुत ज्यादा अत्याचार होते जा रहे थे। तो सिपॉय जो है उनमें भी ये एंगर, ये गुस्सा जो था उन लोगों के लिए, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोगों के साथ इतना बुरा तरीके से बर्ताव कर रही है। रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स। अब क्या हुआ, ब्रिटिश ने नई और चीजें शुरू कर दी, क्योंकि इंडियन पीपल जो थे वो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स सोच के थे, पुराने जमाने के पुराने टाइम में वो पुरानी जो सोच होती है ना, वो चीजें रखते थे। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या करना शुरू किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये जो रिफॉर्म मतलब कुछ सुधार करने भी शुरू किए हमारे इंडिया में, कि मतलब कुछ ना कुछ जो है वो हम चेंज करते हैं इंडिया में। क्या चेंज किए वो पढ़ते हैं हम। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म। मतलब उन्होंने ये, ब्रिटिश ने ये सोचा, वो ये बिलीव करते थे कि इंडियन लोग जो है वो बहुत पिछड़ी हुई जाति के लोग, उनको कुछ समझ नहीं है, उनके सारी चीजें खराब है। तो उन्होंने सोसाइटी को क्या करना, वो सोचते थे कि रिफॉर्म मतलब सुधार किया जाए, हमारे इंडियन सोसाइटी में सुधार किया जाए, है ना। लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड टू एनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडो। अंडरलाइन करिए, उन्होंने क्या चीज जो है वो चेंज की। सती प्रथा जो थी, इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, है ना। यस मैम। सती प्रथा क्या थी, जिसमें क्या होता है कि अगर किसी औरत का अगर हस्बैंड मर जाता है तो उस औरत को जिंदा जो है वो क्या कर देते थे, उसके ही चिता पर जला दिया जाता था उसको जिंदा। तो ये होती थी सती प्रथा। तो उन्होंने क्या किया ब्रिटिश ने, कि ये सती प्रथा, तो ये क्या बात हुई कि हम, है ना, जिंदा औरत को जो है वो हम जला रहे हैं, तो ये तो क्या है, गलत बात है ना। किसी भी जिंदा इंसान को हम कैसे जला सकते हैं। तो उन्होंने ये प्रथा चेंज की कि नहीं, इसको बैन किया जाए। और इसमें राजा राममोहन रॉय जो थे, अपने इंडियन जो थे रिफॉर्मर, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। और ये मैं शायद लास्ट चैप्टर जो था अपना हिस्ट्री का, मैं उसमें बता चुकी हूँ आपको पूरा, है ना, डिटेल नंबर एक। यस मैम। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने रीमैरिज ऑफ विडो, विडो जो थी, जो विधवा होती है, उनको भी पहले क्या होता था कि जो भी विडो है उनको वापस दोबारा जो है वो शादी, रीमैरिज करने का, शादी करने का उनको कोई राइट नहीं था। तो ब्रिटिश ने और क्या चीज शुरू की कि हाँ, जो विडो है वो भी क्या कर सकती है, रीमैरिज, वापस दोबारा शादी भी कर सकती है।
इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज एक्टिवली प्रमोटेड. अंडरलाइन करिए ये लाइन भी कि इसके अलावा उन्होंने जो इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन, एजुकेशन मतलब अपन जो भी पढ़ाई लिखाई जो भी कर रहे हैं, उन्होंने किस पर जोर दिया कि इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए पढ़ाई. सारी चीजें जो है वो किस में हो, इंग्लिश में हो, इंग्लिश लैंग्वेज में हो. तो इस चीज को भी उन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया. आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी. इन 1850 अ न्यू law was passed to make conversion to Christianity easier. फिर उसके बाद में इस कंपनी ने क्या किया, 1830 के बाद में जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, मतलब जो अपना धर्म जो है वो फैलाने का काम करते थे, तो वो इंडिया में भी क्रिश्चियन मिशनरीज को इन्होंने परमिशन दे दी कि आप अपना धर्म फैलाओ, मतलब आप दूसरों का धर्म चेंज भी करवा सकते हो, है ना. तो वो क्या करने लगे लोग, क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वो अपने इंडिया के लोगों को बहकाते थे, उनको नई नई जो है वो चीजों के लालच देते थे और बोलते थे कि आप क्रिश्चियनिटी में, मतलब क्रिश्चियन जो है वो बन जाओ. तो इस तरीके से क्रिश्चियन मिशनरीज को उन्होंने अलाउ कर दिया यहाँ पर काम करने के लिए. और उसके अलावा उनको यहाँ पर लैंड प्रॉपर्टीज में भी हिस्सा दे दिया उन्होंने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने. और फिर 1850 में उन्होंने एक नया लॉ जो है वो भी पास कर दिया उनके लिए, क्रिश्चियन जो लोग थे उनके लिए. दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर. मतलब उन्होंने ये नया लॉ बनाया 1850 में कि पहले ये क्या होता था कि अगर कोई अपना धर्म बदल लेगा, इंडियन लोगों में क्या होता था कि अगर कोई अपना धर्म जो है वो चेंज कर रहा है, अगर धर्म अपना बदल लेता है तो उसको क्या होता था उस टाइम पर, उसको जो उनकी जायदाद, पूर्वजों की जो जायदाद होती थी ना, उनसे उनको बर्खास्त हटा दिया जाता था कि आपको इसमें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा. लेकिन फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या बोला कि हाँ, अगर आप क्रिश्चियन धर्म अपना क्रिश्चियन अपना लोगे, क्रिश्चियन बन जाओगे, तो आपको हम ये राइट दे देंगे कि आपको अपनी पूर्वजों की जो बड़े जो होते हैं ना घर में, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें हम आपको हिस्सा दिलवा देंगे, हम हमारी तरफ से ये चीज करवाएंगे आपकी. तो ये लॉ बना दिया उन्होंने, है ना. Many Indians begin to feel that the British were destroying their religion, their social customs and their traditional way of life. अब ये सारी चीजें होने लगी तो उससे इंडियन लोगों को क्या लगने लगा कि ये तो हमारा धर्म जो है उसको ही बदलवा रहे हैं, क्रिश्चियन बना रहे हैं हमको तो, और हमारे जो भी कस्टम्स है, रिचुअल्स है, जो भी पुराने रीति रिवाज है उनको भी ये तो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, मतलब ये हमारे धर्म के ऊपर क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं उसके ऊपर क्यों. मतलब धीरे धीरे ये चीजें भी उनके रिलीजन को लेकर भी उनके दिमाग में बैठने लगी कि अच्छा ये तो हमारा धर्म चेंज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा रिलीजन, हमारे कस्टम्स, हमारे रिचुअल्स, इन सबको ये चेंज करवा रहे हैं खुद के हिसाब से. There were of course other Indian who wanted to change existing social practices. You will read about these reformers and reform movements in chapter 7. और उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जो इंडियंस, कुछ इंडियंस जो थे वो भी इसमें शामिल थे, जैसे कि मैंने आपको नाम बताया राजा राममोहन रॉय, जिन्होंने सती प्रथा जो थी उसमें उनका, उसको बैन करवाने में उनका बहुत बड़ा रोल था. फर्स्ट जो थे वो रिफॉर्मर ऐसे थे जिन्होंने सती प्रथा पर आवाज उठाई थी और उसको बैन करवाया था, है ना. तो कुछ इंडियंस जो थे वो इसमें क्या कर रही थी, सोशल जो प्रैक्टिस, जो जो खराब चीजें जो चल रही थी ना, वो खुद भी इंडियन चाहते थे कि हाँ ये चीजों तो चेंज होनी चाहिए. तो उन्होंने, कुछ इंडियंस ने इन चीजों में उनका साथ भी दिया था. तो और इसके बारे में चैप्टर 7 जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ आपको, उसमें मैंने बताया सती प्रथा, है ना, री मैरिज ऑफ विडो, इनके बारे में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है. तो बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, अभी मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, उसके बाद उर्दू की क्लास आपकी स्टार्ट होगी. और चैप्टर आप अच्छे से घर पे रीड करिएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है. तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और अभी आपकी क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है. यस मैम. ओके, यस मैम.